है गाइस, वेलकम टू बैक माय ब्लॉग। मैं आ चुका हूँ आज एक नए जगह पे, नए टॉपिक के साथ। मैं आप लोग के लिए हर एक दिन नया नया वीडियो लेकर के आता हूँ, नया जगह पे जाता हूँ। लेकिन आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक मिल सके। तो हम तो शुरू से जानते थे इसे राजा तालाब, और इसके पीछे साइड एक और है जिसे रानी तालाब के नाम से मशहूर किया गया था। लेकिन पहले के जो इंसान हैं, पहले के जो आदमी थे, वो लोग का कहना है कि नहीं, यही राजा तालाब है और जो इससे पीछे वाला वो रानी तालाब है, सॉरी यह रानी तालाब, उसके पीछे वाला जो वो राजा तालाब है। क्योंकि यहाँ पर ही तालाब के बीच में आप देख सकते हैं, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाऊंगा, तालाब के बीच में एक बना हुआ है घर टाइप में, जो अभी तो बंजर बन चुका है, टूट फूट चुका है। क्योंकि रानी यहाँ पर ही आती थी, नहाती थी, नहा धोने के बाद वो ड्रेस चेंज करने के लिए वहाँ पर जाती थी, तो इसीलिए इसे रानी तालाब के नाम से जाना जाता है, वो राजा तालाब के नाम से जाना जाता है। तो आइए मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, इस तालाब का नज़ारा कराता हूँ। आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग ज़रूर मुझे बताएं, और ताकि मैं इसी तरीके से आप लोग के लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। आइए मैं आप लोगों को आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, यही एक घर है जो अभी इसे कुछ और चीज़ में तब्दील कर दिया गया है, कर दिया गया नहीं, तब्दील हो गया, एक बंजर बन चुका है। हल्के फुल्के ईंटे लगे हुए हैं, बाकी पेड़ पौधा पूरा निकल गया है। यही तालाब के बीच में है जिसमें रानी नहाया करती थी, नहा धोने के बाद यहाँ पर अपना वो कपड़ा वगैरह चेंज किया करती थी। अभी तो ये पूरा यहाँ पर ही हर घर का कूड़ा कचड़ा वगैरह हर एक चीज़ फेंकाने लग गया है, तभी तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। लेकिन एक ज़माने से ये है, समझ लीजिए अंग्रेजों शासन, जब अंग्रेज का यहाँ पर शासन था, जब अंग्रेज यहाँ पर राज किया करता था, तब से ये बना हुआ है। आज 25-26 साल मेरा भी हो गया तकरीबन, मैं आज तक नहीं देखा यहाँ का पानी कभी भी सूखा है या ऐसा कुछ भी, कभी भी ये चीज़ देखने को नहीं मिला है। तो ये चीज़ आप भी देखिए, आज भी वैसा ही का वैसा ही दिखता है। मैं इसे शुरू से देखते हुए आ रहा हूँ। ये देखिए, ये घर में हल्के फुल्के ईंट लगे हुए हैं, बाकी इधर सब बच्चे लोग खेलते उलते हैं, नहाते धोते हैं, कुछ लोग तो जानवर भी यहाँ पर अपना सफाई वफाई करते हैं। ये है रानी तालाब, ये राजा तालाब नहीं, ये रानी तालाब के नाम से जाना जाता है। हमने एक चचा से मुलाकात किया है जिन्होंने बताया, उनको भी उतना आइडिया नहीं है, लेकिन दो दिन के बाद उन्होंने बोला कि बताएंगे कि ये कब स्थापित हुआ था, कब का ये है। अब बाकी ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पिलर वगैरह बीम वगैरह दे दिया गया है, यहाँ पर ये गेट लगने का इंतजाम हो रहा है। गेट लग जाएगा तो फिर यहाँ पर जितनी भी गंदगी कचड़ा वगैरह कुछ फेंकाएगा नहीं, चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो फिर किसी भी तरीका कोई भी गंदगी इधर आएगा नहीं। बाकी आप तो मैं पूरा नज़ारा दिखा ही चुका, करा ही चुका हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हाँ तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आप लोग से कोई नए जगह पे, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़, और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।